नमस्कार दोस्तों लक्ष्मीकांत की एक और वीडियो में आपका स्वागत है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं पहली वीडियो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की मैं बना चुका हूँ ये दूसरी वीडियो है ठीक है भाई तो पिछली वीडियो में इंट्रोडक्शन टू द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंपोजिशन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन रिमूवल ऑफ द मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कैसे होगा इंडिपेंडेंस क्या कैसे मेंटेन की जाती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स की इस वीडियो में बात करेंगे

भैया तो ऑल इंडिया सर्विसेज ऑल इंडिया सर्विसेज में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इंडियन पुलिस सर्विसेज इंडियन फॉरेन सर्विसेज आती हैं फिर सेंट्रल सर्विसेज को अपॉइंट करना पब्लिक सर्विसेज ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेट टेरिटरीज में अपॉइंट करना ये सब काम है यूपीएससी का तो जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है ना यूनियन गवर्नमेंट के अंदर उनको अपॉइंट करने के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो कौन है वो है भाई यूपीएससी फिर भाई अगर कोई स्टेट यूपीएससी से स्पेशल रिक्वेस्ट करता है कि भाई हमारे स्टेट में आप एग्जाम्स को कंडक्ट करवाएं किसी स्पेशल क्वालिफिकेशंस के लिए ज्वाइंट रिक्रूटमेंट करवाया जाए तो कोई एक स्टेट अगर यूपीएससी से बोले कि भैया हमारे स्टेट में भाई इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप एग्जाम कंडक्ट करवा लो या एक या एक से ज्यादा स्टेट्स बोले कि ठीक है भाई हम लोग मिलकर यूपीएससी के अंदर एक एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहते हैं हमारी स्टेट की इन इन पोस्टों के लिए तो स्टेट्स को असिस्ट करना और मान लीजिए स्टेट कंडक्ट नहीं करवा रहे अपना नहीं कर पा रहे एग्जाम तो यूपीएससी को बोलना कि भाई आप हमारे एग्जाम कंडक्ट करवा दो और बात है जो भी खर्चा यूपीएससी को होगा वो कौन बियर करेगा वो स्टेट्स बियर करेंगे ठीक है भाई उसके बाद इट सर्व ऑल और एनी ऑफ द नीड्स ऑफ अ स्टेट रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नर एंड विद्रूवल ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया मतलब कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को अपने आप कोई एग्जाम कंडक्ट करवाना है रिक्रूटमेंट मैटर्स में अगर यूपीएससी की कोई मदद करनी है लेनी है तो ऑब्वियस बात है यूपीएससी से रिक्वेस्ट कौन करेगा तो स्टेट का गवर्नर रिक्वेस्ट करेगा और यूपीएससी मदद करने से पहले प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी चाहिए तो एक स्टेट गवर्नमेंट की मदद कर सकता है यूपीएससी गवर्नर के रिक्वेस्ट करने पर विद प्रायर अप्रूवल ऑफ द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है भाई उसके बाद यूपीएससी से बहुत सारी चीजों पर कंसल्टेशन किया जाता है इट कम्स टू मैनेजमेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या हो गया कि जो लोग सिविल में अपॉइंट हो गए हैं उनके टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वर्क थोड़ी बहुत उनकी सैलरी से रिलेटेड बातें हालांकि सैलरी से रिलेटेड बातें डिपार्टमेंट ऑफ परसोनल देखता है वो यूपीएससी का प्रेरोगेटिव नहीं है सीधे सीधे बट यूपीएससी कहीं ना कहीं उसमें एक रोल जरूर प्ले करता है आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए गई और वीडियोस को देखने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के के चैनल मेंबर बन सकते हैं इससे मेरी थोड़ी हेल्प भी हो जाएगी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए आपके जनर एंड डॉट से जवाब दूंगा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए वहां पर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी तो भाई पर्सोनल मैनेजमेंट के केस में किसी सिविल सर्विस में या किसी सिविल पोस्ट के लिए अगर रिक्रूटमेंट हो रहा है तो रिक्रूटमेंट किस प्रकार से हो रहा है इसके बारे में यूपीएससी से अक्सर कर जो यूनियन गवर्नमेंट है वो डिस्कशन करेगी स्टेट गवर्नमेंट्स भी डिस्कशन कर सकती हैं तो वो स्टेट गवर्नमेंट्स जिनको रिक्रूटमेंट का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है वो यूपीएससी से बातचीत कर सकती हैं तो मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश टूट के आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बना और तेलंगाना में जो नया तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंट किया गया उसको अपने एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए कुछ एक्सपीरियंस की जरूरत है तो यूपीएससी से मदद मांग सकते हैं उसके बाद किसी भी सर्विस पे किसी भी सिविल सर्विस पे या किसी भी पोस्ट पे अगर प्रमोशन करना हो ट्रांसफर करना हो अपॉइंटमेंट करना हो अभी अपॉइंटमेंट कैसे होगा एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पे मान लीजिए आपको ट्रांसफर करना है उसमें प्रमोशन लगा है ये कोई भी भी चीजें हैं तो इसमें जो प्रिंसिपल्स अडॉप्ट होंगे उनको डिसाइड कर सकता है कौन यूपीएससी उसके बाद ट्रांसफर डेप्यूटेशन उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स में स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे ट्रांसफर्स एक सिविल सर्विस से दूसरे सिविल सर्विस में डेप्यूटेशन तो इस तरीके की चीजों के ऊपर भी अक्सर कर यूपीएससी से राय ली जाती है ठीक है अभी आप देखो दोस्तों जैसे कि आप मान लीजिए और केवल ग्रुप ए पोस्ट नहीं ग्रुप बी पोस्ट में भी यूपीएससी कभी कभी इनपुट देता है फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप आई की पोजिशन पे काम कर रहे हो आप इनकम टैक्स ऑफिसर हो आपने किया आप इनकम इनकम टैक्स टैक्स इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर लगे की पोस्ट पे आपने छह साल काम किया आप इनकम टैक्स ऑफिसर रहे आपने बहुत अच्छा काम किया बहुत सारे केसेस बताए बनाए गवर्नमेंट का रेवेन्यू सेफ किया गवर्नमेंट आपसे खुश है तो गवर्नमेंट आपको डेप्यूटेशन दे रही है डेप्यूटेशन कहां दे रही है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में तो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट इनकम टैक्स इज अ डिफरेंट डिपार्टमेंट बट डेप्यूटेशन तो पॉसिबल है ना तो इस तरीके के डेपेशन को अफेक्ट करने से पहले भी यूपीएससी से राय ली जाती एक एक के में राय नहीं ली जाती। जब बड़े ऑफिसर्स जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वो ऑफिसर जिसको सीधे सीधे यूपीएससी ने सेलेक्ट किया है जैसे आई हो गए आईपीएस हो गए तो कल की डेट में मान लीजिए आप एक आई बने और आई बनने के बाद आप ज्वाइंट कमिश्नर की पोस्ट पे

देखिए पहली बात तो ग्रुप सी और डी वाले मैटर्स यूपीएससी के पास नहीं आते वो अभी आगे आएगा कि कौन कौन सी चीजें यूपीएससी में नहीं आती ग्रुप ए के मैटर्स सीधे सीधे यूपीएससी में आते खासकर उन लोगों के जो सीदे -सीदे के जो सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब अंदर हैं या फिर मान लीजिए जिनको यूपीएससी ने सीधे सीधे रिक्रूट किया है ग्रुप ए के अंदर तो ग्रुप के अंदर आई आईपीएस आई टाइप के ऑफिसर्स आते हैं तो ये आई आईपीएस आई टाइप के ऑफिसर्स के अगेंस्ट जब भी कोई डिसिप्लिनरी मैटर होगा तो उसमें सीधे सीधे यूपीएससी इन्वॉल्व होगा तो मान लीजिए किसी आई का इंक्रीमेंट रोकना है उसके प्रमोशन रोकने हैं ठीक है ना उसको डिमोट करना है एक ऊंची पोस्ट से नीचे की पोस्ट पे देना है पनिशमेंट के तौर पे उसको कंपल्सरी रिटायर कर देना है तो रिसेंटली बहुत सारे प्रिंसिपल इनकम टैक्स के कमिश्नर को रिटायर कर दिया सरकार ने चूंकि उनके ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस थे उसको सर्विस से रिमूवल करना है रिमूवल कर देना सर्विस से या डिसमिसल कर देना सर्विस से अब आप बोलोगे रिमूवल फ्रॉम सर्विस और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस का क्या फर्क होता है अगर आपको सर्विस से रिमूव किया गया है तो आप किसी दूसरी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो बट तो अगर आपको सर्विस से डिसमिस किया गया है तो आप किसी भी दूसरी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो तो मान लीजिए आप इनकम टैक्स टैक्स इंस्पेक्टर थे आपने एक बहुत बड़ा फ्रॉड कर दिया जिसके चलते आपके ऊपर केस चला इन्वेस्टिगेशन चली और आपको सर्विस से डिसमिस कर दिया गया अब अगर आपको डिसमिस किया गया है ना तो फिर आप दूसरा कोई गवर्नमेंट जॉब ये से, ये किसी भी एम्प्लॉयमेंट में नहीं आ सकते यू आर डिसमिस्ड मतलब आप गवर्नमेंट सर्विस से ही डिसमिट हो गए वो आप किसी भी सरकार के लिए काम नहीं कर सकते अगर आपको रिमूव किया गया है, तो आप जरूर काम कर सकते हो दूसरा को एग्जाम क्वालिफाई करके ठीक है भाई फिर मान लीजिए किसी सिविल सर्वेंट ने अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई डिसीजन लिया अब उसने डिसीजन तो ऑफिशियल कैपेसिटी में लिया बट उस डिसीजन के चलते उसके ऊपर कोई लीगल प्रोसीडिंग शुरू हो गई है तो उस लीगल प्रोसीडिंग के दौरान अपने आप को डिफेंड करने के लिए जो भी पैसा खर्चा होना है वो तो वो सिविल सर्वेंट सरकार से मांगेगा ना कि भाई मैंने तो सरकार के नियम कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिसीजन लिया था ये तो मेरे ही ऊपर लीगल प्रोसीडिंग आ रही है तो चूंकि मैंने ऑफिशियल ड्यूटी के चलते ये डिसीजन लिया था तो यहाँ पे जो लीगल एक्सपेंस है इसके रिम्बर्समेंट के लिए मैं क्लेम कर रहा हूँ अभी उसको लीगल री मिलता कितना है ये एक अलग बात है वो रेलिवेंट अथॉरिटीज डिस्कस करेंगी और उसमें यूपीएससी का एक रोल निकल गया है फिर भाई मान लीजिए कल की डेट में आप आईपीएस बन जाते हो या किसी भी एक ऐसी सर्विस में आते हो जहां पे आपको ऑन ग्राउंड कुछ काम करना है तो आप नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में हो आईपीएस से वैसे डेप्यूटेशन होता है नारकोटिक्स में आई से भी होता है तो भाई आप किसी फील्ड जॉब में और फील्ड जॉब में काम करते वक्त ड्यूटी के दौरान आपको कुछ आ जाती 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 हैं आपको आपको चोट लग है है या या फिर आपकी आपकी मौत हो जाती है, तो ऐसे केसेस में आपको कितना कंपनसेशन फैमिली को कितना अवार्ड दिया जाएगा वो प्रेरोगेटिव किसका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उसमें भी यूपीएससी थोड़े बहुत अपने इनपुट दे सकता है फिर भैया कहीं पर टेम्प्रेरी बेसिस पे, पे अपॉइंटमेंट करना है एक साल के लिए वहां पर यूपीएससी इनपुट दे सकता है पर्सोनल मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी चीजों में यूपीएससी के इनपुट देखे आ सकते हैं ओके okay. लेकिन एक बात याद रखिएगा यूपीएससी के इनपुट आते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि यूपीएससी से बातचीत करना है सरकार के लिए। अगर मान लीजिए ले सर्वेंट, सर्वेंट तो ऐसे केसेस में यूपीएससी का इन्वॉल्व होना मैंडेटरी नहीं है समझ गए बात को तो मतलब यूपीएससी से कंसल्ट किया जाएगा इन सारे मैटर्स में जो इतनी देर से मैं आपको बता रहा हूं

एक न्यूट्रल तरीके से सरकार काम करेगी और चूंकि सरकार पब्लिक गेज में रहती है, मीडिया गेज में में रहती रहती है है मीडिया तो सरकार न्यूट्रल तरीके से काम करती है तो कहीं ना कहीं यूपीएससी को ताकत दी गई है बट इसका मतलब यह नहीं है कि यूपीएससी जो भी राय देगा वो सरकार के ऊपर बाइंडिंग है सरकार के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि वो यूपीएससी से डिस्कस करेगा सरकार चाहे तो ना डिस्कस करे स्किप करके सीधे अथॉरिटी ले ले ठीक है भाई हालांकि सरकार डिस्कस करती है उसके बाद अगर बात की जाए तो यूपीएससी को और एडिशनल फंक्शंस भी दिए जा सकते हैं तो भाई पार्लियामेंट चाहे तो समय समय पे यूपीएससी को एडिशनल फंक्शंस दे सकती है ठीक है अब वो कोई भी फंक्शंस है जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी एक कॉरपोरेट बॉडी का भी ज्यूरजन यूपीएससी को दिया जा सकता है तो पहले क्या होता था कि बीएचएल और एन अब यह सब गवर्नमेंट ओन एंटिटीज है इनके एग्जाम अलग से कंडक्ट कराए जाते थे बॉडीज खुद अपने एग्जाम कंडक्ट कराई जाती कराती थी, थी बाद में इन सारी लोगों ने क्या बोला कि भाई हम तो तो गेट के स्कोर कार्ड को लेंगे और तो में अगर आपको एंट्री मारनी है तो आप गेट का एग्जाम दो और अगर अच्छे नंबर आ रहे हो तो बी एच एल एन टी पी सी से आपको इंटरव्यू कॉल आएगी और आप सिलेक्ट हो गए तो आप जॉब करने लगोगे कल की डेट में पार्लियामेंट चाहे तो एक नियम कानून पास करा के बोल सकती है कि जो बी एच एन टी पी सी जिनमें मेजोरिटी स्टेक सरकार का है इसमें यूपीएससी अपना एक्सरसाइज करेगा नहीं अब बी एच एल एन टीपीसी के एग्जाम कौन कंडक्ट करवाएगा यूपीएससी कंडक्ट करवाएगा ऐसा पार्लियामेंट बोल सकता है यानी पार्लियामेंट समय समय पे यूपीएससी के जोरिजन को बढ़ा सकता है यूपीएससी को कोई एक नया काम कोई एक नया एडिशनल फंक्शन दे सकता है ठीक है भाई तो मतलब यूपीएससी के फंक्शन को कौन बढ़ा सकता है तो पार्लियामेंट बढ़ा सकता है इनफॉर्मली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चीफ प्राइम मिनिस्टर भी यूपीएससी को बोल सकते हैं कि भाई ये काम आप कर दीजिए यूपीएससी हर साल एक रिपोर्ट तैयार करता है और ये रिपोर्ट सामने रखी जाती है किसके पार्लियामेंट के पार्लियामेंट के सामने यूपीएससी की रिपोर्ट को कौन रखता है प्रेसिडेंट रखता है प्रेसिडेंट जब पार्लियामेंट के सामने यूपीएससी की रिपोर्ट को रखेगा तो वहां पर साथ साथ एक मेमोरेंडम भी रखेगा उस मेमोरेंडम में रीजेंस लिखे होंगे क्या रीजन कि मान लीजिए यूपीएससी ने कोई एडवाइस दिया अब नॉर्मल कर केसेस में देखिए यूपीएससी जो भी एडवाइस देती है ना उसको सरकार अप्रूवल दे देती है मान लीजिए यूपीएससी ने ऐसा कोई एडवाइस दिया है जिसको सरकार ने अप्रूवल नहीं दिया तो वो जो मेमोरेंडम है जो कि यूपीएससी के रिपोर्ट के साथ पार्लियामेंट में प्लेस किया जाएगा वो मेमोरेंडम पार्लियामेंट को बताएगा कि भाई यूपीएससी द्वारा दी गई इस एडवाइस को हम नहीं मानते हैं क्यों नहीं मानते हैं वो उस मेमोरेंडम में लिखा होगा अब जब यूपीएससी की रिपोर्ट सामने रखी जाएगी पार्लियामेंट के और सरकार ने क्या स्टेप लिया उस रिपोर्ट के ऊपर यह भी सामने रखे जाएंगे पार्लियामेंट में तो पार्लियामेंट ने यूपीएससी के रिस्पेक्ट में जो कुछ भी बोला है सरकार ने उसके ऊपर बहस हो सकती है पार्लियामेंट सरकार द्वारा लिए गए स्टेप्स को अप्रूव भी कर सकती है पार्लियामेंट सरकार द्वारा लिए गए स्टेप्स को रिजेक्ट भी कर सकती है समझ के बात को तो मतलब कि फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी तो पार्लियामेंट ही है पार्लियामेंट चाहे तो यूपीएससी के ज्यूजिडिक्शन को बढ़ा भी सकती है पार्लियामेंट चाहे तो सरकार द्वारा लिए गए जो स्टेप्स हैं यूपीएससी के एडवाइस से रिलेटेड उनको क्रिटिसाइज कर सकती है या उनकी सराहना कर सकती है ठीक है भाई उसके बाद मान लीजिए यूपीएससी ने कोई पर्टिकुलर एडवाइस रखा सरकार के सामने और सरकार ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो सरकार ने जिस भी वजह से उनको एक्सेप्ट नहीं किया है इन चीजों को अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट से अप्रूवल मिलना चाहिए देखिए दे सरकार को और सरकार अगर उसको नहीं, कर रही, नहीं कर रही है तो वो जो नॉन एक्सेप्टेंस है ना उन एडवाइस का उस नॉन एक्सेप्टेंस को अप्रूवल मिलना चाहिए फ्रॉम द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट यानी कि कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी ने मान लीजिए कोई एक सजेशन दिया उस सजेशन को रिजेक्ट करने की ताकत किसी एक मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के पास नहीं है यहां पे डिपार्टमेंट ऑफ की बात हो रही है डिपार्टमेंट ऑफ सीधे सीधे यूपीएससी द्वारा बताए गए नियम नियम कानूनों को या को या एडवाइस कानून तो नहीं बोलना चाहिए यूपीएससी अगर कोई एडवाइस दे रहा है तो डिपार्टमेंट ऑफ को सीधे रिजेक्ट नहीं कर सकता है अगर यूपीएससी के एडवाइज को नहीं मानना है तो सरकार की जो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट है ना वो बोलेगी कि ठीक है भाई हम नहीं मान रहे हम इस बात को सही मानते हैं मतलब यूपीएससी जो कुछ भी बोलता है उसमें दम है उसकी अथॉरिटी को स्किप करना इतना आसान नहीं है तो अगर यूपीएससी ने कोई एडवाइस दिया है ज्यादातर किसी ने सरकार उस एडवाइस को मानती है नहीं मान रही है तो क्यों नहीं मान रही है पार्लियामेंट को बताया जाएगा और ना मानने का जो रेजोल्यूशन है ना उसको अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट का अप्रूवल मिलना जरूरी है फिर बात करते हैं कि भैया है, यूपीएससी के काम करने में लिमिटेशंस क्या क्या है कुछ चीजें फंक्शनल जोशन ऑफ द यूपीएससी के बाहर रखी गई है यूपीएससी से कौन सी चीजों में कंसल्ट नहीं किया जाता है वाइल मेकिंग रिजर्वेशन अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन तो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन के लिए अगर कोई रिजर्वेशन किया जा रहा है तो उसके लिए यूपीएससी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है सीधे सीधे जो भी रिजर्वेशन किया गया उसका नियम कानून पार्लियामेंट में पास कराया जाएगा और यूपीएससी से बोला जाएगा इंप्लीमेंट करो जैसे कि एक दो साल पहले आपको याद होगा कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10 परसेंट कोटा लाया गया है तो क्या ये दस परसेंट कोटा लाने से पहले यूपीएससी से कोई बातचीत करी गई नहीं सरकार सीधा दस परसेंट कोटा लेके आई और वो कोटा यूपीएससी को रेफर कर दिया कि भाई इसको इंप्लीमेंट इंप्लीमेंट करो तो सर यूपीएससी से से बात करने की जरूरत नहीं है सरकार ने नियम कानून पार्लियामेंट पास करा के कर दिया अब यूपीएससी को उसको इंप्लीमेंट करना है तो बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन के लिए अगर आप रिजर्वेशन कर रहे हैं तो उसके लिए यूपीएससी से बातचीत करने की जरूरत नहीं है फिर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए आप कितना रिजर्वेशन कर रहे हो किस हद तक रिजर्वेशन कर रहे हो अलग अलग पोस्ट तो सर्विस में किस प्रकार से रिजर्वेशन कर रहे हो किस प्रकार से अपॉइंटमेंट कर रहे हो इसमें भी यूपीएससी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है आप कर दीजिए बाद में यूपीएससी से बोलो कि इंप्लीमेंट करो ये सरकार के पास ताकत है फिर भाई जो बड़े बड़े ट्राइबल्स होते हैं उनके चेयरमैन को कैसे अपॉइंट किया जाएगा उनकी मेंबरशिप को कैसे अपॉइंट किया जाएगा कमीशन में किस हिसाब से मेंबर्स को डाला जाएगा यह सब सरकार का प्रयोगेटिव है यूपीएससी का इसमें कुछ नहीं बोलना है जो फॉरेन

एक इनफॉर्मल डिस्कशन तो किया ही जाता है ठीक है ना भाई लेकिन ग्रुप सी डी में तो वो करने की जरूरत नहीं है उसके आगे बात की post, मतलब की, अगर किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे आप एक ऐसे पर्सन को बैठा रहे हो जो कि बिल्कुल एक से बैठा एक साल से वो हाँ पे काम नहीं करेगा तो ऐसे भी यूपीएससी से डिस्कस करना जरूरी नहीं है वो पोस्ट वो सर्विसेज और वो मैटर्स जो यूपीएससी के प्रेरोगेटिव के अंदर नहीं आएंगे प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकता है मतलब कुल मिला के यहां पे प्रेसिडेंट के पास सरकार के पास अच्छी खासी ताकत है यूपीएससी के अथॉरिटी को स्किप करने में लेकिन सरकार ऐसा करती नहीं है क्योंकि यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की ताकत को अगर आप स्किप करोगे ना तो मीडिया गेज है लोग आपको कच्चा चबा जाएंगे ठीक है भाई तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज

उनको डिसाइड करते वक्त कौन कौन से मैटर्स को डिसाइड नहीं करना है मतलब कौन कौन से मैटर्स को डिसाइड करते वक्त यूपीएससी से कंसल्ट नहीं करना है ये कौन डिसाइड करेगा प्रेसिडेंट आप समझिए दोस्तों यहां पे यूपीएससी को यहां पे बस एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी की तरह देखा जा रहा है यूपीएससी का जॉब क्या है एग्जाम कंडक्ट करवाओ बस उसके बाद थोड़ा बहुत ट्रांसफर अपॉइंटमेंट पोस्टिंग में सर्विस कंडीशंस में आपसे इनपुट लिए जाएंगे लेकिन आप एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंटी एजेंसी हो ये याद रखना तो भैया संविधान ने प्रेसिडेंट को ताकत दी है कि जो बड़ी बड़ी पोस्टें हैं जिसका रिक्रूटमेंट करवाता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन उनमें कुछ ऐसे रेगुलेशंस जो कि उन सर्विसेज के काम करने के दौरान आएंगे उन रेगुलेशंस में किस हद तक यूपीएससी का इन्वॉल्वमेंट होगा किस हद तक यूपीएससी का इंटरफेरेंस होगा यह डिसाइड करेगा रिक्रूटमेंट में तो यूपीएससी करेगा भाई और यूपीएससी के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में में कोई बीच इंटरफेयर नहीं कर सकता लेकिन उसके बाद का प्रोसेस है कि वो सर्विस चलाई कैसे जाएगी ये सरकार का है इसमें यूपीएससी एक लिमिट से ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं कर सकता लेकिन जब भी ऐसा कोई रेगुलेशन प्रेसिडेंट बनाएगा तो उसको हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने रखा जाएगा चौदह दिनों के लिए और इन रेगुलेशंस को पार्लियामेंट चाहे तो अमेंड कर सकता है या रिपील कर सकता है आप देखिए पूरी तरीके सरकार के हाथ में भी नहीं है सरकार अगर मान लीजिए इंटेंशनली कहीं पे यूपीएससी की अथॉरिटी को स्किप कर रहा है तो उसको पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा यूपीएससी की अथॉरिटी को एग्जाम कंडक्ट कराने में तो वैसे स्किप नहीं कर सकती सरकार तो एग्जाम कंडक्ट कराना यूपीएससी का प्ररोगेटिव उसमें सरकार इंटरफेरेंस नहीं कर सकती एग्जाम कंडक्ट कराने का बच्चा सेलेक्ट कर लिया गया सेलेक्ट करने के बाद जो भी सर्विस कंडीशन है उस पर्टिकुलर ऑल इंडिया सर्विसेज की उन सर्विस कंडीशंस में अगर यूपीएससी की इन्वॉल्वमेंट को कम करना चाहता है सरकार तो भाई प्रेसिडेंट रेगुलेशन ला सकते हैं लेकिन ऐसे रेगुलेशन को पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा पार्लियामेंट चाहे तो इनको अपील कर सकता है अमेंड कर सकता है या रिपील कर सकता है हटा सकता है तो अगर आप देखें तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने संविधान ने यूपीएससी को विजुलाइज किया है एज द वॉच डॉग ऑफ मैरिट सिस्टम यानी कि भाई मैरिट सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए किसी भी हाल में जो भी लोग ऊपर की पोस्टों में बैठ रहे हैं उनके अंदर काबिलियत होनी चाहिए ऑल इंडिया इंपॉर्टेंट होती है ग्रुप बी में, में अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में यूनियन टेरेटरीज के एडमिशन देखिए तो वहां पे ग्रुप बी ऑफिसर्स भी प्रमोट करते तो उनके प्रमोशन से रिलेटेड इन सब चीजों में यूपीएससी का रोल है तो रिक्रूटमेंट सीधे यूपीएससी करवा है और गवर्नमेंट प्रमोशन और में यूपीएससी से डिस्कशन करता है। लेकिन इन सर्विसेज की क्लासिफिकेशन इनकी पे सर्विस कंडीशन, इनका कैडर मैनेजमेंट ट्रेनिंग ये सब यूपीएससी के हाथ में नहीं है।, अभी ये सब में आता है ये सब आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक पेंशन अब ध्यान दीजिए हुए मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक में तीन डिपार्टमेंट है 1985 में, मिनिस्ट्री बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल बोला जाता है इसको हालांकि पूरा नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट है है एक डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग जिसको आप फेमसली डीओपीटी बोलते हो एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस और एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर तो यह तीन डिपार्टमेंट से मिलकर बना है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है डीओपीटी और क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज पे एंड सर्विस कंडीशन कैडर मैनेजमेंट ये सब कौन करता है ये करता है तो यहां पे यूपीएससी बस एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है और डीओपीटी इज द सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है यानी रिक्रूट होने के बाद एक बार ऑफिसर आ गया उसको मैनेज करना किसका काम है तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल का काम है उसके बाद यूपीएससी का रोल लिमिटेड है किस हद तक लिमिटेड है कि भाई आप एमबीए रिक्रूटमेंट कराएंगे और थोड़ा बहुत अपने इनपुट देंगे

कि भाई अगर हम यूपीएससी के रिकमेंडेशन को नहीं मान रहे हैं तो क्यों नहीं मान रहे हैं ठीक है भाई ये सब बातें हो गई यहां पे फिर यूपीएससी की अथॉरिटी एक और बॉडी की वजह से कम हो गई है और वो बॉडी है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या हो गया यहां पर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बनाया गया क्या करेगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन तो भाई डिसिप्लिनरी मैटर्स देखेगा ओके तो किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय के अगेंस्ट अगर करप्शन का कोई चार्ज चल रहा है तो कहीं ना कहीं यहां पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का रोल आता है अब देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी सरकार ने बनाया है यूपीएससी भी भाई हमारे संविधान के थ्रू बनी है जब भी एक सिविल सर्वेंट के अगेंस्ट कोई केस चलेगा तो गवर्नमेंट सीवी से भी से भी डिस्कस करेगी और यूपीएससी से भी डिस्कस करेगी लेकिन मान लीजिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कोई एक आइडिया दे रहा है और यूपीएससी बिल्कुल ही अपोजिट आइडिया दे रहा है तो जो भी आ रहे हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में और यूपीएससी में डिसिप्लिनरी मैटर से रिलेटेड अगर वो कंफ्लिक है तो चलेगी किसकी ये एक बहुत बड़ी चीज है अभी चलेगी तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात माने सरकार चाहे तो यूपीएससी की बात माने टेक्निकली देखा जाए तो यूपीएससी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और सीबीसी एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू बनी थी ओरिजिनली अक्टूबर 2003 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया तो जब शुरुआत में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना था दिस वाज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी बाद में अक्टूबर 2003 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया तो स्टैट्यूटरी स्टेटस है, सीवीसी के पास यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो देखा जाए तो पलड़ा यूपीएससी का भारी है जो यूपीएससी एडवाइस दे रहा है उसको मानना चाहिए बट एक्चुअली में सरकार जिसका चाहे उसका एडवाइस मानेगी तो डिसिप्लिनरी मैटर्स में पहले यूपीएससी चलती थी सी के आने के बाद सी और यूपीएससी में थोड़ा क्लैश आता है सरकार जिसका मन चाहती है उसका एडवाइस मानती है तो ये था दोस्तों यूपीएससी का पूरा एनालिसिस ये वही यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसके चक्कर आपकी जिंदगी खराब हो रखी खूब पढ़ाई आपको करनी पड़ रही है तीन से लेके तीन आर्टिकल्स में आपका आता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन पब्लिक सर्विस कमीशन के फंक्शंस आर्टिकल तीन सौ बीस में आते हैं एक्सपेंसेस पब्लिक सर्विस कमीशन के आर्टिकल तीन सौ बाईस में आते हैं रिपोर्ट की आर्टिकल तीन सौ तेईस में आता है अभी आर्टिकल्स में उतना घुसना जरूरी नहीं है आप चाहो तो देख सकते हो नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा दोस्तों में आपसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में थैंक यू फॉर ग्रेट डे